गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इंस्पिरेशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी उठी हूँ मैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आज मुझे मॉर्निंग में उठना था लेकिन नहीं उठी। रात को मैं बहुत लेट सोई थी, 12:30 बजे सोई थी। अभी मुझे सारा काम खत्म करना है और बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। ओह माय गॉड। और बाहर आप देखो, इतना ज्यादा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना। बाहर भी थोड़ा बहुत कोहरा छाया हुआ है और सच में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा था उठने का। पानी आ गया, पानी भरना है अभी। और अभी मेरा किचन फैला हुआ है। रात को मैं बिल्कुल भी साफ नहीं की थी, तो अभी सब काम खत्म करते हैं। थोड़ा सा बर्तन भी भरा हुआ है और अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी चाय बन गया हमारा और देखिए देसी जुगाड़। हस्बैंड का शॉर्ट पहन लिए, मेरा नया लुक, नया अंदाज। आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट करके। इंडिया में ऐसा होता है ना कि मतलब लोग जुगाड़ ज्यादा करते हैं ना। दिशानी तो मेरी शेटेड पहन ली। और दिशानी का कल मैं निकालती थी स्वेटर, इसलिए मेरी दिशानी स्वेटर पहन ली है ना। और मामा का स्पेशल स्वेटर है, मामा का स्पेशल स्वेटर, पापा का शर्ट, निकाल के पहने, कभी पहनते भी नहीं थे। और आज याद आ गया ये टी शर्ट पहनने का। गाइज, अभी चाय पीने के बाद आ गए हैं किचन में और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन टेंशन ही रहता है सब्जी बनाने का, क्योंकि बिना टमाटर वाली सब्जी हो तो अच्छा नहीं लगती है। तो मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही और बहुत ज़्यादा गपशप किए हैं, हद से ज़्यादा। और सुबह सच में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो दिशानी के लिए तो मैं स्वेटर निकाल दी थी। और एक स्वेटर है हम लोगों के पास, एक एक स्वेटर दोनों आदमी के पास, तो हम लोग जब आसाम गए थे ना उस वक्त खरीदे थे, तो स्वेटर निकालना भूल गए। बोले तो ज़्यादा ठंडी थोड़ी लगेगी। सुबह में सच में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं हस्बैंड का शॉर्ट पहन ली थी ताकि थोड़ा ठंडी तो कम हो जाए। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुके थे, उसमें मैं तेल डाल दी हूँ। और तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ हरी मिर्च और जीरा, और उसके बाद प्याज मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है आलू। और आलू को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए।
भुना जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी और पत्ता गोभी को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो पत्ता गोभी में से पानी निकलता है तो इसे मैं फ्राई करूंगी अच्छे से और उसके बाद में मसाले ऐड करूंगी 3 से 4 मिनट के बाद। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं थोड़ा बर्तन पड़े हुए वो मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, तो बीच बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो जो काम पड़े रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ बीच बीच में। तो अभी 2 से 3 मिनट तक ये भुनाएगा, तब तक मैं यहाँ पे जो काम है वो कर लूँगी। तभी मैं इसमें मसाले ऐड कर दी हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर, नमक जो रेगुलर मसाले सब्जियों में यूज होते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड की हूँ। और उसे मैं रख के छोड़ दी हूँ 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, वो पकेगा, मसाले अच्छे से भुनाएंगे तो उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी, तब तक मेरा काम जो पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से भुनाए गए हैं, पूरी सब्जी अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और धनिया पत्ता डाल दूंगी और ये सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं की हूँ क्योंकि आज शुक्रवार था, तो ये सब्जी बनके रेडी हो चुका है। हाय गाइज, अभी शाम हो गया और सुबह का मिली मिले अभी मैं मिल रही हूँ और मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ थाने, तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा, 6:15 का ट्रेन है। तो दिशानी मेरी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैं ये ब्लैक वाला टी शर्ट शॉर्ट पहनी हूँ। ये शॉर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे पास ज्यादा शर्ट नहीं है, एक ये शर्ट है और एक और शर्ट है ब्लू कलर का जो कि मैं हमेशा घर में कभी कभी पहनती भी हूँ। और मैं जीन्स पहनी हूँ और अभी जा रही हूँ फटाफट क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 6:15 मिनट का ट्रेन है और 6:45 हो चुका है। तो चलिए मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे वहाँ थाने पहुँच कर। तब तक के लिए बाय। सो गाइज, अभी हम लोग थाने पहुंच गए हैं और मैं बता देती हूँ कि थाने में क्यों आई थी। तो पिक्चर देखने आई थी, फाइनली आज दिन बन गया था, पंडित जी ने देख दिया था कि आज मैं पिक्चर देख लूँगी। तो हस्बैंड अचानक शाम को 4:30 बजे कॉल किए, बोले आ जाओ, वो टिकट भी बुक कर लिए थे। तो अभी मैं थाने आई हूँ और ये स्टेशन के पास में ही है ये थिएटर, तो आप थाने उतरोगे तो तुरंत ये थिएटर आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर मैं हम लोग आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं देखने कि तानाजी पिक्चर कैसा है, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। और वैसे भी दिन में मैं बहुत सारा काम की हूँ, थकी हुई भी थी और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज सच में वो पिक्चर मुझे दिखाएंगे। तो चलिए गाइज, मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ।
गाइस जब भी हम लोग पिक्चर देख लिए और बहुत ही अच्छा पिक्चर है, आप लोग भी देखना तानाजी पिक्चर, बहुत ही मस्त पिक्चर है। और अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट, यहाँ खाना खाएंगे क्योंकि मैं तो डिनर बनाकर आई नहीं थी और घर जाने के बाद 12:30 या 12 तो ज़रूर बजेगा, तो उतना रात को कौन बनाएगा और कौन खाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से डिनर करके जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे। और ऐसे भी 10:30 बज चुका था क्योंकि 8 बजे शो चालू हुआ था, 10:30 बजे ख़त्म हुआ। तो अभी हम लोग सिंपल सा मंगाया है, पनीर टिक्का और ये है रोटी। मुझे चपाती बोलना चाहिए था, मैं रोटी बोल दी, तो ये वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा नरम नरम रहता है वो अच्छा लगता है, तो यहाँ बोलना चाहिए चपाती, तो मैं रोटी बोल दी। तो आ गया रोटी कड़क वाला, तो चलिए अभी खाकर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो, हाय गाइस, अभी हम लोग आए हैं घूमकर और पिक्चर देख लिए। अभी जस्ट मैं घर में घुस रही हूँ अभी, और डिनर भी हम लोग उधर से ही करके आ रहे हैं। और देखिए मेरे किचन की क्या हाल हुई है, ओ गॉड, मेरा बर्तन भी पड़ा हुआ है, किचन मेरा उसी तरह से फैला हुआ। और अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन में इतना ज्यादा नींद आ रहा था ना, ओ माय गॉड, और ठंडी इतना लग रही थी, इतना ज्यादा ठंडी लग रही थी ना, मैं तो पूरा ठिठुर गई हूँ। दिशानी के लिए तो मैं स्वेटर लेके गई थी, मुझे पता था कि आते वक्त ठंडा लगेगा, ऐसे भी ट्रेन में बैठते ना ठंडा ठंडा हवा आता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। और अभी तो मैं सोऊंगी, और बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा पिक्चर है तानाजी। तो पिक्चर देख लिए फाइनली, आज दिन बन गया है देखने वाला पिक्चर। तो इसलिए मैं आप लोगों को इतना जल्दी में थी ना, शाम को मुझे पता चला, कितने बजे फोन करके हस्बैंड बताए, 4:30 बजे। मैं फटाफट सारा काम की, सारा काम जितना हुआ उतना की, डिनर बनाने का प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं किए, हम सोचे कि डिनर बनाएंगे ना बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और टिकट कटवा लिए थे, 8 बजे का शो था और मुझे पहुंचना था थाने, भाग भाग के मैं गई ट्रेन पकड़ने, 6:15 कम था तो मैं यहाँ से निकली, उसके बाद गई 15 मिनट मुझे लगा जाने में, क्योंकि दृशानी को ना गोद में उठा उठा के लेके भागना पड़ता है, और टिकट काटी ट्रेन का, उसके बाद मैं गई फाइनली की ट्रेन, आप बोले थे ना 6:15 का पकड़ने के लिए, 6:15 वाला ट्रेन ना लेट था, इसलिए मैं पहले वाला ही ट्रेन पकड़ ली, 6:05 का जो ट्रेन था वो, और टाइम पे पहुंच गए थे इसलिए, और वो भी ट्रेन ना 2-3 मिनट लेट थी इसलिए मिल गया। उसके बाद मैं गई वहां थाने 15 मिनट बैठे हैं, 15 मिनट बैठा है मेरे हस्बैंड, बोले 15 मिनट बैठो मैं आ रही हूँ। आ रहा हूँ। तो बोले 15 मिनट बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वहां पे मैं 15 मिनट रुकी, दृशानी मेरी इतना ज्यादा परेशान की, वहां पे भागती है ना ये, बहुत ज्यादा भागती है। और आज मैं वीडियो अपलोड की थी तो आप लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो वहीं पे बैठ के थोड़ा सा टाइम मिला तो बोले चलो अभी कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद रिप्लाई की हूँ वहीं से। और अभी मुझे ये सब निकालना है, चेहरा धोकर ही सोएंगे किसी भी तरह, और ये इसको भी निकालना है लिप कलर को, उसके बाद सो जाएंगे। मन हो रहा है कि ऐसे सो जाए, सीधे जाकर कुछ नहीं करे, सीधे जाकर सो जाए। दिशानी तुम तो सो गई थी ना, फिर उठ गई तुम, चलो कपड़ा चेंज करो, अभी मुझे भी कपड़ा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, बस, और स्वीट ड्रीम बोलो, स्वीट ड्रीम, मतलब एक बार नहीं बोल सकती दृशानी, एक बार के बदले में ना 10 बार बोल दी है, चलो हो गया, चल 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 चल, सोना है, सारे बार हो गए, सोना है, सोना है, हो गया बेटा, देखो मम्मा।